गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अभी डॉक्टर प्रीतम सिंह ब्लॉक्स आ गए हैं। ब्राह्मणों की ढाणी जो कि देवगढ़ से जब हम हर्ष की तरफ जाते हैं तो 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक लेफ्ट में रोड टर्न करती है। मालियों की ढाणी, उपली ढाणी, ब्राह्मणों की ढाणी, 2-3 यहाँ पे छोटी ढाणियाँ हैं, तो उनका हम आपको विजिट कराएंगे। पूरा डूंगरपुर बांसवाड़ा का आपको यहाँ पर एहसास होगा। बने रहिए मेरे साथ में। कि एक तालाब, सामने सूर्य देवता और पहाड़, हर्ष बोया गाँव वाली जो पहाड़ियाँ हैं। एक बहुत ही सुंदर एक झुंड है, देखिए आप, ये बया के घोंसले हैं। और देखिए एक छोटे वाले पेड़ पे भी हैं, इधर देखें आप, ये छोटे पेड़ पे हैं और वो बड़े पेड़ पे हैं। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बया का घोंसला होता है, मेरे प्यारे दर्शकों, जो बया का घोंसला मेल बनाता है और बहुत सारे बनाता है, और जो फीमेल बया को जो पसंद आता है ना, वो उसी में रहता है, और वो फिर उसके बाद उसी में अंडे वंडे भी देती है बया, और वो बस एक ही बार के लिए वो प्रयुक्त होता है। उसके बाद वही है जैसे कि हमारे जो मकान हवेलियाँ है अबेंडन हो गई साहब, पहले जो बनी थी बहुत उसके चरम पे कभी शोभा रही होगी, उसके बाद में यह भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह हमें प्रेरणा देता है, सतत संघर्ष जो है पक्षी भी करते हैं। आवाज़ सुनिए आप इसकी, और बर्ड्स उड़ती भी बया। तो मनुष्य और जो हमारा जीवन चक्र है, और जो जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, इनका एक संघर्ष होता है जो कि सतत होता है, तभी वह अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। बाकी जहाँ भी आलस आ गया, आलस जो है, अब आप देख लो, एक बया का जो मेल बया है बहुत सारे घोंसले बनाता है, उसमें एक ही पसंद आता है उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब वो एक ही बना के छोड़ दे, यार नहीं नहीं मैं तो एक ही बनाऊँगा, और कोई को किसी को पसंद आए तो ठीक, नहीं तो नहीं। लेकिन ये प्रकृति के सृजन में इनका योगदान के लिए देखो ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पक्षियों की आवाज़ का कोलाहल है केवल, और कुछ नहीं है। देखिए बड़ा ही अच्छा सुखद है, कर्ण प्रिय आपको साउंड इनका आता है, आवाज़ ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका एक जो स्वागत किया जा रहा हो सभी के द्वारा। यह ग्रामीण दुनिया खेती के लिए भाई साहब निकल चुके हैं। यह चाहे तो उपली ढाणी या ब्राह्मणों की ढाणी जो भी हो सकती है, वो बोर्ड लगा हुआ था यार कहीं, इस एक्चुअली इस रोड पे लगा हुआ था, गांव में नहीं लगा हुआ। हाँ ये रहा देवगढ़ सड़क, यहाँ से 1.6 किलोमीटर है, ये एक माइलस्टोन। तो ये वहाँ ठीक है, वहाँ 1.5 किलोमीटर लगा हुआ था, ये मालियों की ढाणी ही होना चाहिए। तो चलते रहिए, देखते रहिए सुबह की छटाएँ, हमारे गाँव, हमारे सुबह के आनंद। यह सड़क जो है 50% से ज़्यादा बनी हुई, हम भी आजकल वही पक्ष देखते हैं, उजला पक्ष, या हर्ष की तरफ चले जाती है डॉग डरते हुए। यह इस तरफ आप देख सकते हैं हर्ष की पहाड़ियाँ, मेरे एंगल से देखें आप, अति सुंदर। तो यह जो मालियों की ढाणी है, हर्ष पर्वत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, और बहुत ही सुरम्य यहाँ का वातावरण है, वादियाँ हैं, गाँव है, खेत हैं, मकान हैं, पशु पक्षी, जितना भी जिस भी चीज़ का आनंद। बबेरवाल परिवार ने आपका हार्दिक स्वागत यहाँ किया है। यह एक मंदिर है, मंदिर क्या मकान ही है अभी। डॉक्टर अजय मिश्रा साहब का बोर्ड यहाँ भी आ चुका है, बहुत ही जुझारू और बहुत ही विशाल इनकी जो है पहुँच है जनता के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप मालियों की ढाणी की सुबह, हवा तेज़ चल रही है, माइक की बैटरी ख़राब होने की वजह से आज हम बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ सहन कर लेना। यह देखिए पुराने एक कोई हवेली नुमा मकान, और बने रहिए। यह ढाणी तो थोड़ी कम, मतलब बड़ा, एक थोड़ा सा ढाणी से थोड़ा सा बड़ा गांव होता उस टाइप से है माहौल, ढाणी नहीं हो कि इसको आप थोड़ा गाँव कह सकते हो। तो ये भाई साहब ने बताया इधर गांव बंद है, और ये देवगढ़ निकल जाएगा इधर, और इधर से हम आए थे, आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले, अब मालियों की ढाणी यही है ना। अच्छा जी, तो ये है एक सुंदर हमारा गांव, छोटा सा, मालियों की ढाणी के नाम से, जो कि देवगढ़ से 1.5 किलोमीटर आगे है स्थित। तो यार देखो, घूमते रहो। यह देखिए आप, राइट साइड में आपको दिखाना चाहूँगा मैं, देवगढ़ फोर्ट पहाड़ के ऊपर स्थित ये डिवाइन इंग्लिश एकेडमी। वाव, ये आवागमन चारा ले जाके भाई साहब, देखिए विस्तार दिया है इस गाड़ी को इन्होंने, मोटरसाइकिल को।
बहुत ही प्यारा अनुभव। तो ये पश्चिमी दिशा की तरफ जो सड़क जाती है उस पर हम अभी जा रहे हैं, और एक इन्होंने सड़क उत्तरी दिशा में और बताई है, तो देखते हैं अगर यू टर्न करके उधर से निकलेंगे या देवगढ़ में होते हुए जाएंगे, देखते हैं अपन, है ना। यह है मालियों की डाणी, पंचायत समिति धोद के अंदर यह आता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय है यहाँ, 11th 12th क्लास तक। बहुत ही प्यारा यार, बड़ा है मतलब गांव, ना डाणी तो वैसे ही कह रहे हैं इसको, ये मुझे लग रहा डाणी नहीं है, गांव है पूरा विशाल विस्तृत। ये भाई साहब कुछ डाल दिया गया इनको, सांड देवता को। और यह एक मंदिर देखें आप, मंदिरों की भूमि है ये, मंदिर प्याऊ और धर्मालुओं की, सीकर शेखावाटी राजस्थान के गांव, और उसमें DPSP का अनुभव आपको प्रसारित करते हुए यह केले के अंदर पानी पिलाने के लिए अपने पशुधन को बच्चे लेके आए हैं, पानी की टंकी से वाटर फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो। यह है मालियों की डाणी, यह भी एक ठीक अच्छा खासा ठीक ठाक सा गांव है, और मतलब डाणी कह रहे हैं लेकिन डाणी नहीं, ये गांव है पूरा, क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा अगर किसी गांव में होता है तो कहने का मतलब उसका थोड़ा सा जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, या कैचमेंट जो होता है आसपास के जो लोग बाग कितने हैं, मतलब संख्या कितनी है या कितने लोगों को यहाँ लाभ पहुँच सकता है, उस हिसाब से होता है ये। यह एक नन्ना शिशु अपनी माँ की गोद में, और ये ऐसा ग्रामीण जीवन के मज़े देखो आप, बिल्कुल मस्त दुनिया है, मस्त अलमस्त। तो ये टूटी फूटी सड़क आ गई यार, चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ से यू टर्न करके और जो उत्तरी दिशा की तरफ निकलने वाली रोड थी ना उसमें से निकलेंगे बाहर वापस, तो उधर से थोड़ा अपने पास भी पड़ेगा, और नई आपको मैं सड़क भी दिखा दूंगा एक हमारे गाँव की। क्या आप देख सकते हो साइन बोर्ड लगा हुआ है मालियों की डाणी, चूचू चिड़िया 4-5। यह सड़क अब देवगढ़ को निकल जाएगी, देखिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव का यहाँ पे लिखा हुआ है पंक्तियाँ कुछ दीवार पे। तो जय गुरुदेव साहब का जो कंसेप्ट है वह भी बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं भाई मांसाहार न करें, और इसी से जो है बीमारियाँ और जो परेशानियाँ जीवन में लोगों के आ रही हैं, तो इनके भी बहुत बड़ा एक फैक्ट फॉलोइंग है वर्तमान में। शायद जो इनके गुरु हैं आध्यात्मिक गुरु वह उमाकांत जी महाराज हैं, जैसा कि मुझे कई जगह लिखा हुआ मिलता है। तो बहुत ही उनका अपूर्ण योगदान है, अपूर्व योगदान है मांसाहार को फिर रोक लगाने के लिए। अच्छी चीज़ है जो लोग इससे जुड़ के और एक जो जीव दया और उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक डिफरेंट सेक्ट है और डिफरेंट कंसेप्ट है, और बहुत ही बड़ा एक इनका ग्रुप है जो कि इन चीज़ों को प्रमोट करता है कि भाई ये चीज़ें छोड़ दी जाएं, जितनी जल्दी छोड़ दी जाएं उतना ही अच्छा है, तो और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। यह देखिए एक प्याऊ बनाई गई है, यह बालाजी का स्थान है, और एक भैया से हमने पूछा भाई ये देवगढ़ निकल जाएगा क्या, उन्होंने कहा कि हाँ आप इधर से चले जाओ। यह कच्ची सड़क है एक्चुअली में, इस कच्ची सड़क से हम यह सामने आप देवगढ़ का फोर्ट देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर स्थित, और वापस हम उस पर रोड पे आएंगे, और उधर से ये मलकेड़ा बाजू और निकलती है ये और सड़क, यह तो आपको पता है ही, हम कई बार उधर से निकल चुके हैं। ये कोयल की आवाज़ फील करें, सैंड पाइपर की पुकार, इन बर्ड्स का डिस्कशन। अरे वाह, डिफरेंट वैरायटीज की बर्ड्स हैं, तो किंगफिशर भी है। तो आखिरकार मेन रोड के हमें दर्शन हो ही गए हैं, यह सड़क अब हमें लेके जाएगी मलकेड़ा की तरफ। यह कुछ गीत चलते हुए गाड़ी के अंदर। तो यह थी मेरे भाइयों मालियों की डाणी और ब्राह्मणों की डाणी, जो कि हमने आपको विज़िट करवाई आज, जो कि हर्ष से जब हम मलकेड़ा की सड़क संपर्क सड़क पर जाते हैं तो 2-1 किलोमीटर आगे जाने के बाद में
राइट साइड में एक रास्ता निकलता है। तो कैसा लगे आपको हमारे गांव और ढानी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए DPSV के साथ में। हैव अ गुड डे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।